हेलो फ्रेंड्स वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे फ्रेंड्स हमारी जो सर्कल्स दुपट्टा थी वो वीडियो आपने बहुत पसंद की और उसमें बहुत से मैंने कमेंट्स देखे कमेंट्स देखने के बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ एक्चुअली हम ना हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और हम उसमें वीडियो बनाते हैं कभी कभी मुझसे चीज़ें वीडियो में रह जाती हैं जो मैं मुझे बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप घर में ट्राई करेंगे इसको तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज आपको ज़रा कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं सर्कल्स के बारे में देखें जो शिमर का मैंने कपड़ा यूज़ किया है ना जब वो स्टिच हुआ है और उसके ऊपर लगा है तो देखिए उसकी शक्ल कैसी हो गई है अब ये बहुत ज़्यादा मैंने नीट नहीं काटे हुए क्योंकि मैंने ये वीडियो के लिए बनाए हैं ठीक है तो आपने बड़े नीट से आपने सर्कल्स काटने हैं काटने के बाद आपने उनको स्पेस छोड़ के आपने यहाँ उसको सुई धागे से पहले पक्का किया था फिर आपने लगा के मशीन से लगाया था और वो जो धागा जो मैंने सुई से इसको टका था ना वो मैंने बाद में निकाल लिया था अगर आपको याद हो लेकिन मैं उसमें आपको बोल के बता नहीं सकी वीडियो में मैं एंड में वही धागा निकाल रही हूँ जो कि मैंने सुई धागे से किया था दूसरा ये कि लोग कहते हैं कि सर्कल पीछे से नज़र आएंगे पीछे बैक लुक नहीं आएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है देखिए शेफून नेट की तरह नहीं होता कि हर चीज़ बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आए ठीक है देखिए मैंने अभी आपको हाथ रख के दिखाया कि बहुत लाइट सा ना एक शेड नज़र आएगा तो अब सर्कल्स लगाने के बाद जब आप उसे स्टिच कर लेंगे ऊपर मैंने धागा ब्लू यूज़ किया है ब्लू सर्कल्स के लिए ऊपर वाला जो धागा होगा वो आपने सर्कल के कलर का यूज़ करना है और बैक पे जो आप फिरकी में जो धागा डालेंगे वो आप वाइट कलर का यूज़ करेंगे तो बैक से दुबट्टा बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा ठीक है और आप इसमें अगर शिमर का कपड़ा मुझे पसंद है मैंने यूज़ किया है अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो बेशक आप ना यूज़ करें अच्छा मैं आपको बैक साइड दिखाती हूँ ये देखें बैक साइड आपकी इस तरह की लुक आएगी लेकिन अगर आपको ये लुक नहीं पसंद और आप चाहते हैं कि सर्कल बिल्कुल विजिबल ना हो तो आप टू का नहीं बल्कि ज्यादा एरिया छोड़ के उन्हें टक लगा लें ठीक है ये देखें ये वाइट धागा यूज हुआ हुआ है इसलिए बिल्कुल भी धागा विजिबल नहीं है ये शक्ल नजर आ रही है जो थोड़ी बहुत सर्कल की मैंने थोड़ा कपड़ा रखा है मुझे ये इतनी इरिटेट नहीं कर रही अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा सर्कल बना के ये ये देखें ये इसमें ज्यादा कपड़ा है अगर ये डूनट की तरह की एक शेप नजर आ रही है आपको अगर आप चाहते हैं कि ये शेप ना नज़र आए और दूसरी शेप नजर आए तो आप बेशक सर्कल के ऊपर एक और मतलब कपड़ा लगा के आप इसे फुल कवर करके और फिर लगा सकते हैं ताकि बैक साइड से इस तरह के बजाय फुल कवर नज़र आए ठीक है सो so, बैक साइड बुरी नहीं लगेगी आपकी बिल्कुल और आप अगर इसको थिक कपड़े में जैसे लॉन् के कपड़े पे बनाते हैं या किसी और कपड़े पे बनाते हैं हम तो क्योंकि अवेलेबल था शेफ़ून का कपड़ा तो मैंने उस पर बना लिया ठीक है तो आप चाहे तो आप इसे लॉन पे बना सकते हैं कॉटन पे बना सकते हैं अगर आपको आ, बैक साइड से थोड़ा सा इशू है और बैक साइड आप देखें तो नीट एंड क्लीन आ रही है कोई ऐसा नहीं है कि बैक साइड आपकी बुरी लग रही है मैं आपको दूर से भी दिखा देती हूँ फिर ये कि आपने बहुत से लोगों ने पूछा कि हम इसको मैच कैसे करेंगे तो आप इसे वाइट प्लेन सूट पर कर सकते हैं जो डॉट्स आप लगा रहे हैं जैसे अगर ये ब्लू डुबट्टा देखें और मैं ये उसके लिए बना रही हूँ तो ब्लू कलर इसमें डार्क हम यूज़ कर लेंगे और साथ में हम शॉकिंग पिंक कलर यूज़ करेंगे तो ये आपका इससे कॉम्प्लीमेंट कर जाएगा ठीक है आप चाहे तो आप शिमर वाला कपड़ा जो सर्कल्स की लुक आ रही है अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सिंपल कॉटन का कपड़ा यूज़ कर लें ये तो आपकी क्रिएटिविटी है हमने आपको एक डिज़ाइन बताया है और डिज़ाइन को आप एक, एक, जो है वो चेंज भी कर सकते हैं अगर आप ये देखें तो मैंने इसे ब्लू सूट के साथ मैच किया है और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये सिंपल प्लेन ब्लैक सूट ब्लू सूट है मेरे पास और मैंने इसके साथ ये दुपट्टा मैच किया है तो ये इसके साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है अब आप ये देखें कि ये मैंने आपको बैक साइड से भी दिखा दिया कि बैक साइड से कैसा लगेगा ये अब आप इसको अगर बहुत करीब से देखेंगे तो ज़ाहिर है आपको चीज़ें नज़र आएंगी लेकिन अगर आप इसको दूर से मतलब जैसे कि लोग इस पर नजर पड़ेगी तो वो आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई बैक साइड जो है वो नीट नहीं है तो ये देखें बैक साइड भी कितनी नीट लग रही है इसमें जस्ट आपको सर्कल्स ऐसे रिंग फॉर्म में नज़र आ रहे हैं अगर आप चाहते हैं ये रिंग फॉर्म में नहीं आए बल्कि पूरे पूरे सर्कल बना लें तो आप बेशक पीछे जो आ, सर्कल के कपड़ा है वो आप पूरा कवर कर लीजिएगा ठीक है फिर इसको ऐसे कपड़े के साथ मैच करें जो कॉम्प्लीमेंट करें तो होपफुली फ्रेंड्स आपको काफ़ी गाइडलाइंस मिली होंगी इस वीडियो से बैक साइड में आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बैक साइड भी इसकी नीट ही आएगी बुरी नहीं आएगी शिमर के कपड़े के बजाय आप कोई और कपड़ा यूज़ करना चाहते हैं शिमर ऑब्वियसली जब प्रेस करेंगे तो उसकी शेप ऐसी हो जाएगी अगर आप कॉटन यूज़ करना चाहते हैं आप कोई और कपड़ा यूज़ करना चाहते हैं आप बेशक कर सकते हैं इवन आप नेट यूज़ कर सकते हैं और नेट के नीचे आपको एक साथ और कपड़ा यूज़ करना पड़ेगा क्रिएटिविटी करना आपका अपना काम है और जब आप हमें ऑर्डर करते हैं चीज़ों का तो आप कस्टमाइज़ कर, किया करें ठीक है आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप हमें कहें कि सर्कल आप दूसरे कलर के चाहते हैं इस तरह की कोई चीज़ है तो हम ईज़िली आपको वैसा ही बना के देंगे जैसा आप चाहेंगे लेकिन डिज़ाइन हमारा होगा जैसे सर्कल्स का डिज़ाइन है वो सर्कल्स का डिज़ाइन हमारा होगा लेकिन उसमें जो क्रिएटिविटी होगी और जो जो चीज़ें आप ऐड करेंगे आप अपनी अपने आप को कि आपको क्या पसंद है और आप कैसा बताना चाहते हैं और मतलब यूज़ करना चाहते हैं जो भी आपकी डिमांड्स होंगी हम उसके मुताबिक ही वीडियो बनाएंगे होपफुली uh, फ्रेंड्स आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं नेक्स्ट uh, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है जिसमें मैं आपको एक न्यू ड्रेस दिखाऊंगी और उसके साथ मैं आपको मैचिंग भी बताऊंगी कि आपको मैचिंग किस तरह से करनी चाहिए तो उसको ज़रूर देखिएगा और बहुत ही प्यारा ड्रेस है तो आपको आइडिया भी अच्छा मिल जाएगा तो अगली वीडियो में मिलते हैं तब के तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा खुदा हाफिज़